बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लेवल 5 न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 37। हियर इज क्वेश्चन नंबर 13। सिंपलीफाई दीज एंड रिड्यूस योर आंसर टू इट्स लोएस्ट टर्म्स। बेटा क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, अब आपने इनको दे के परेशान बिल्कुल नहीं होना। मेथड हमारा सेम टू सेम वही है जो हम पीछे करते चले आते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगी, बी और सी पार्ट आप खुद करेंगे। हेयर इज फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 13। बेटा देखिए, सबसे पहले आपके पास ये मिक्स नंबर में फॉर्म है, आप मिक्स नंबर में एक अमाउंट है बेटा, आपने सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास मिक्स नंबर में जो भी अमाउंट है उसको हम खत्म करके सिंपल फ्रैक्शन अमाउंट में ले आए। बेटा मिक्स नंबर को ख़त्म कैसे करते हैं, इन दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाली अमाउंट को हम प्लस कर देते हैं। तो 10 times 100, 1 प्लस किया 101 और नीचे आ गया 10, और बाकी मैंने सारा एक का सारा वैसे लिख दिया। बेटा अब मैंने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन हम स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, 4 और 5 को जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है। इसका एलसीएम लिया तो हमारा आंसर आ गया 20। अब मैंने बेटा 20 यहाँ पर लिख दिया और बाकी सारा मैंने वैसे लिख दिया। अब देखिए बेटा 5 के टेबल में 20 कहाँ आता है, नीचे वाले अमाउंट्स को डिवाइड करते हैं। 5 4s are 24 आ गया, जो ऊपर वाले अमाउंट है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया ये वाला प्लस। 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 5 पर 5, और ऊपर वाला मल्टीप्लाई वैसे का वैसे ही आ गया। 4 1s are 4 प्लस 5 1s are 5, बाकी बेटा मैंने सारे का सारा वैसे लिख दिया। आप डायरेक्ट भी ये स्टेप कर सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये स्टेप किया है। अब इन दोनों को प्लस किया तो 9/20 आ गया, ठीक है बेटा। बाकी सारा देखे मेरा वैसे ही चलता आ रहा है। अब मैंने 10 और 20 का एलसीएम लिया, ये ले लिया, मेरा आंसर आ गया 20। अब बेटा ये देखिए 10 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 2s are ऊपर वाला 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। 20 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 1s are ऊपर वाला मल्टीप्लाई 9 7, वैसे ही आ जाएगा। अब मैंने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, 2 7s are 14 प्लस वैसे का वैसे ही 1 9s are 9। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 23 आ जाएगा नीचे 20। अब बेटा 1 और 20 का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेने के बाद आप फिर से 1 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 20s are 20 multiplied 4, 20 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 1s are, ये साथ वैसे आ गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब इन दोनों को माइनस किया 57 आ गया, बाकी सारा वैसे ही चलता आ रहा है। फिर से 10 और 20 का एलसीएम लिया, 20 आ गया। इन 10 और 20 को डिवाइड किया, 2 आया, 7 वैसे का वैसे ही, 20 के टेबल में 21s are ही आता है 57। जी बेटा उन दोनों को मैंने प्लस किया, मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा नीचे 20। अब इनको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, जो ऊपर हमारे पास आता है उसको साइड पे लिख देते हैं, जो साइड पे आता है उसको हम नीचे लिख देते हैं। ये आपके सामने सॉल्व हो गया, मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखा दिया है। बेटा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 14। नाउ सिंप्लीफाई दिस। फर्स्ट पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। बेटा ये आपके सामने फर्स्ट पार्ट है, इस बात का ख्याल रखना है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पॉइंट के नीचे पॉइंट का आना ज़रूरी है, कब, जब हम प्लस या माइनस करें। तो मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, इसको प्लस किया, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो मेरा आंसर आ गया 3.9। अब बेटा ये देखिए 15 है, 15 में तो कहीं आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। बेटा ये बात आपने याद रखनी है, अगर हमारे पास अमाउंट सिंपल है उसमें पॉइंट नहीं है, वो डेसिमल में नहीं है, तो उसका डेसिमल लास्ट पे होता है। जैसे कि ये 15.0, मैंने नीचे 3.9 लिख दिया, इन दोनों को प्लस किया तो 18.9 आ गया। मैंने अभी इन दोनों को प्लस करके ये लिख दिया, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। रवक भी आपके सामने सॉल्व है, क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व कर दिया है, बाकी के पार्ट्स जिसके रह गए हैं बी और सी वो आप खुद करेंगे, ठीक है बेटा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स डू कमेंट्स एंड शेयर योर प्रॉब्लम, वी विल डेफिनेटली गिव योर सॉल्यूशन। रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।